सरकार का जवाब नहीं, प्रश्नों पर भी सरकार का ढंग से जवाब नहीं आता है। तो महोदय, आज किसानों की आय कम होते जा रही है, किसानों की बदहाल स्थिति, कृषि रोड मैप 4 आ गया, 3 का समीक्षा तक नहीं हुआ, कृषि में कितना आपका सब्सिडी में धांधली है महोदय, किस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है, इस पर तो सरकार जवाब दे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किसानों के लिए क्या किए हैं? बजट सत्र अब खत्म होने वाला है, लेकिन किसानों के लिए उन्होंने कभी कुछ किया है? ना ही उनकी आय में बढ़ोतरी की है, ना ही उनकी सब्सिडी को लेकर उन्होंने कोई कार्य किया है। यहां तक कि अब किसान के जो चौथे रोड मैप तैयार होने वाले हैं, उसमें भी किसान को कोई लाभ नहीं हो रहा है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है और बजट सत्र शुरू होने के साथ ही विपक्षी पार्टी लगातार सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। आपको हम बता दें कि जहां एक तरफ विपक्ष का कहना है कि बजट सत्र जो है वो खत्म होने जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार हमारी बातों को सुन नहीं रहे हैं, इस पर कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा है कि आप किसानों के लिए क्या कर रहे हैं, ना ही किसान की आय में बढ़ोतरी आपने किया है, ना ही कृषि रोड मैप 4 में किसानों को कोई सुविधा मिल रही, यहां तक कि जो किसानों की जो सब्सिडी है उस पर भी आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं। आपको हम बताते चले कि बिहार विधानसभा में जहां एक तरफ महागठबंधन की सरकार, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी यानी कि बीजेपी लगातार सवाल कर रही है। सवाल के घेरे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खड़े नजर आ रहे हैं। क्या कुछ सदन के भीतर से तस्वीर निकल कर आ रही है किसान मामले को लेकर, हम छोड़े जाते हैं इन तस्वीरों के साथ आपको। सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है, अब प्रश्नोत्तर काल होगा, अल्पसूचित प्रश्न लिए जाएंगे। आप एक मिनट बैठ जाइए, तो बैठ जाइए। नेता विरोधी दल क्या कहना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय, सदन मात्र अब 4 दिन बचा है। महोदय, अभी तक सरकार ने इजराइल मंसूरी का मामला हो, आपराधिक घटनाओं का, हत्या का, लूट का, बिजली दर में वृद्धि का, गन्ना किसानों के निर्धारण, शिक्षकों की नियुक्ति, कनीय अभियंताओं के विषय पर कोई वक्तव्य नहीं दिया। महोदय, आज बिजली और गन्ना और कृषि रोड मैप पर हम लोग कार्य स्थगन भी दिए हैं, उस पर विचार होना चाहिए। महोदय, सरकार आखिर कब जवाब देगी? ये सदन का चलाने का क्या औचित्य है? अगर जो सरकार विपक्ष के विषय पर न चर्चा कराए, न जवाब दे, और कोई भी सरकार का जवाब नहीं आया, जितने विषय उठाया गया इस सदन में, सरकार का जवाब नहीं, प्रश्नों पर भी सरकार का ढंग से जवाब नहीं आता है। तो महोदय, आज किसानों की आय कम होते जा रही है, किसानों की बदहाल स्थिति, कृषि रोड मैप 4 आ गया, 3 का समीक्षा तक नहीं हुआ, कृषि में कितना आपका सब्सिडी में धांधली है महोदय, किस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है, इस पर तो सरकार जवाब दे। आज इजराइल मंसूरी का, इजराइल मंसूरी पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया था, उस पर भी चर्चा नहीं हुआ। स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य श्री शर्मा जी, अजीत शर्मा जी। मैंने जो नियम